हमें याद है कि हिंदी की भाषा में दरबारी साहित्य भी लिखे गए, चारण भाट भी रहे हैं, लेकिन हिंदी अपने मस्तक पर चारण भाटों को कभी नहीं रखी। मुझे लग रहा है हिंदी के सबसे विद्रोही लोग उसके सबसे ज़्यादा पठनीय और आज तक पढ़े जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने प्रिय कवि कबीर को याद करता हूँ, तो कबीर लिखते हैं कि साधो ऐसा जग बोराना, साँच कहे तो मारन धावे झूठे जगपति आना। तो किताबें या आप क्या लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कोई क्यों पढ़े, आपके लिखे हुए में किसी को क्यों रुचि हो। हमारे हजारों साल के इतिहास में नवीन जी जाने कितने दौर आए और चले गए, आज भी बिना अपना प्रचार किए कि अमेजन पे या फेसबुक पर फ्लिपकार्ट पर मेरी किताब का लिंक ये है, लोग आज भी कबीर को खोजकर पढ़ते हैं। निराला जो लिखते थे और लिखने के समय उनके पास कोई भी पूंजी नहीं थी, अभावों में रह गए, और वो लिखते हैं कि भेद कुल फुल जाए वो सूरत हमारे दिल में है, और देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारे मिल में है। तो निराला बिकने के लिए नहीं, निराला ने जो लिखा, या प्रेमचंद का पूरा जीवन हम लोग देखते हैं अभावों में ही गुजरा, और उसके बावजूद आज भी हम प्रेमचंद को पढ़ते सुनते, और अगर हम लोग तो अभी एक दौर के बेस्ट सेलर हैं, जो हजारों साल के इतिहास में बेस्ट सेलर लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। उनके ऊपर बाजार का दबाव नहीं था, पाठक का दबाव नहीं था, हमारे यहाँ तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। अभी बात हो रही थी कि भगवान भी आदमी है, हम तो ऐसे दौर में हैं जहाँ आदमी दावा कर रहा है कि वो भगवान है। तो ये ऐसे वक्त में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे कवि केदारनाथ सिंह याद आ रहे हैं कि आजकल चुप्पियाँ बढ़ती जा रही हैं, और चुप्पियाँ ऐसी जगह बढ़ती जा रही हैं जहाँ बोलना ज़रूरी था। तो कुछ किताबें उन बातों को कहने की हिम्मत कर रही हैं। अगर इन विश्वविद्यालयों के सरकारी संस्थान होने का, शिक्षा का, कलम और किताब हर हाथ तक पहुँचे, इस ख्वाब को अगर हम नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ियां किस रूप में इस किताब को या इस पूरे दौर को याद करेंगी। तो एक किताब होगी जो ये बताएगी कि उसने सच कहा, अपने दौर का सच कहा। आज जो मेरे साथ तीनों लेखक हैं, तीनों की किताब बेस्टसेलर में रही है, और तीनों ही जो है अलग अलग विधा के हैं, सत्य के उपन्यास रहे हैं, सत्य के उपन्यास लगातार दैनिक जागरण की बेस्ट लिस्ट में आए हैं, लक्ष्मण की कथेतर है लेकिन इन्होंने एक आत्मकथात्मक शैली में उसको लिखा है, जादूनामा अरविंद मंडोरे जी की किताब है जो कि बेस्टसेलर में रही है, वो एक जीवनी है, तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। नाम मेरा नवीन है पर स्टेज पे जो है लक्ष्मण नवीन है, तो पहला सवाल लक्ष्मण मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी जो पहली किताब थी तो आपकी PhD के ऊपर आधारित थी, लेकिन उसके बाद ये किताब पहली, एक मैं इसको मानता हूँ कि यही आपकी एक तरह से पहली किताब है, पहली किताब का प्रकाशित होना ये कितना कठिन था, और किताब आते ही उसका बेस्टसेलर हो जाना और जागरण जैसे प्लेटफॉर्म पर उसको अनाउंस करना, उसकी घोषणा होना, ये सारी फीलिंग किस तरह की है? बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका, और हिंदी हैं हम दैनिक जागरण का कि उन्होंने एक अच्छा आयोजन किया है और हिंदी लोग लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं, इस बात को लेकर के एक उत्सव भी हो सकता है और होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि जिस विश्वविद्यालय से मुझे बेदखल किया गया उसी में ये आयोजन हो रहा है, तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल किताब की बात जो है, किताब में जो बातें कही गई हैं, मेरा मानना है कि बेस्ट सेलर होना केवल आंकड़ों के हिसाब से ये केवल बड़ी बात नहीं है कि आपकी किताब कितने लोगों के हाथ में चली गई, उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपने ऐसा क्या लिखा जिसे लोग अपनी कहानी की तरह मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। दैनिक जागरण जो कार्यक्रम आयोजित करता है इसका नाम है हिंदी है हम, तो हिंदी भाषा, चूँकि मैं खुद हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और हूँ भी, हमें याद है कि हिंदी की भाषा में दरबारी साहित्य भी लिखे गए, चारण भाट भी रहे हैं, लेकिन हिंदी अपने मस्तक पर चारण भाटों को कभी नहीं रखी। मुझे लग रहा है हिंदी के सबसे विद्रोही लोग उसके सबसे ज़्यादा पठनीय और आज तक पढ़े जा रहे हैं।
मिसाल के तौर पर मैं अपने प्रिय कवि कबीर को याद करता हूँ, तो कबीर लिखते हैं कि साधो ऐसा जग बोराना, साँच कहे तो मारन धावे झूठे जगपति आना। तो किताबें या आप क्या लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कोई क्यों पढ़े, आपके लिखे हुए में किसी को क्यों रुचि हो। इस किताब के लिए ये एक ऐसी किताब है जो एकेडमिक डिस्कोर्स पर है। इस जिस परिसर में हम हैं, इसके दरो दीवार के यहाँ के हर एक शाख पर फूलने वाले फलने वाले फूल पत्तियों के, उसके इर्द गिर्द जो भी कहानी बनी गई, मुझे लग रहा है उस किताब में ऐसी कोई कहानी थी कि जो भी लोग एकेडमिया से जुड़े रहे, शिक्षा जगत से जुड़े रहे, उसे लेकर चिंतित हैं, उन्होंने ये सोचा कि एक प्रोफेसर अपनी डायरी में क्या लिखता है। और मेरे लिए भी ये इसलिए पहला अनुभव रहा। इसके विषय पे एक बार बाद में आता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये बेस्टसेलर के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रकाशित होने का, जब पहली किताब का प्रकाशित होने का अनुभव, वो कितना कठिन रहता है, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग आगे लेखक बनना चाहते होंगे, तो एक प्रकाशक की खोज आपके लिए कितनी आसान रही? मुझे लग रहा है कि ये सवाल का जवाब मेरे प्रकाशक ज़्यादा बेहतर देते, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको तो लोग छापने में दिक्कत नहीं करते। तो एक पक्ष इसका ये है कि आप जो लिख रहे हैं, अगर वो ज़रूरी है तो वो कौन प्रकाशित करने की हिम्मत लिख रहा है। कई बार सच लिखने और बोलने की बात, मुझे कवि केदारनाथ सिंह याद आ रहे हैं कि आजकल चुप्पियां बढ़ती जा रही हैं, और चुप्पियां ऐसी जगह बढ़ती जा रही हैं जहां बोलना ज़रूरी था। तो कुछ किताबें उन बातों को कहने की हिम्मत कर रही हैं, तो उन्हें प्रकाशित करने का प्रकाशक भी हिम्मत करता है, तो मेरे प्रकाशक ने ये हिम्मत की। अगर आप लेखक से पूछेंगे कि उनके लिए ये अनुभव कैसा रहा, तो हमारे यहाँ तो हमारे बड़े कवियों ने लिखा, स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, तो जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की, उसको भी कहा कि वो खुद की खुशी के लिए लिखी गई। इस किताब को भी हमने इसलिए लिखा कि अगर इन विश्वविद्यालयों के सरकारी संस्थान होने का, शिक्षा का, कलम और किताब हर हाथ तक पहुँचे, इस ख्वाब को अगर हम नहीं बचा पाए, तो आने वाली पीढ़ियाँ किस रूप में इस किताब को या इस पूरे दौर को याद करेंगी। तो एक किताब होगी जो ये बताएगी कि उसने सच कहा, अपने दौर का सच कहा, उसको लोगों ने पढ़ा और बेस्टसेलर बनी। इसके लिए तो मैं अपने पाठकों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पाठकों के लिए एक ताली जरूर होनी चाहिए। लक्ष्मण जी, जो कहानी की बात हो रही थी, कहानी में हर आदमी, उन्होंने तो दूसरे की कहानी लिखी जिसके प्रति बायस है, आपने अपनी लिखी, हर आदमी अपनी कहानी का हीरो होता है, उनके पास फिर भी एक अपॉर्चुनिटी है नकारात्मक पक्ष को या एक बैलेंस व्यू को देखना। हम जब भी जो करते हैं, मुझे बचपन से अधिकतर चीज़ें मेरी हमेशा लगती हैं मैंने ठीक की। आप जब अपनी कथा लिखते हैं तो आप उस कथा के हीरो खुद हैं, आप अपने आप को कितना एनालाइज उसमें कर पाते हैं कि हाँ मैं सही अपने आप को सही रूप में प्रस्तुत कर पाऊँगा? निश्चित रूप से ये एक लेखक के तौर पर अगर कोई ये कहे कि नहीं उसने अपनी ही कहानी में खुद को इस रूप में पेश किया है जिसमें वो बिल्कुल बायस्ड नहीं है, तो ये उचित नहीं है। मेरे पास एक छूट थी कि जिस शैली में मैं लिख रहा हूँ वो कमोबेश एक आत्मकथात्मक डायरी है। डायरी इसलिए क्योंकि सिलसिलेवार किस्से कहे गए हैं, आत्मकथात्मक इसलिए कि आपने अपनी निगाह से जो देखा, जो आपको महसूस हुआ, वो आपने लिखा। अब मेरा मानना यह है कि अब हम लोग बैठे हैं बेस्ट सेलर के मंच पर, तो ज्यादा बिक गई किताब, ज्यादा लोगों ने पढ़ा खरीदा, ये उसका एक पक्ष है मेरा मानना है, और ये जरूरी पक्ष है। इससे लोगों के बीच ये बात जाती है कि आज की जनरेशन केवल रील्स नहीं देख रही, अगर आप उसके मन की कोई बात कहेंगे, मन की बात कही जाए तो भी वो सुनेंगे पढ़ेंगे। तो मेरे पास ये छूट थी इस शैली में बात कहने की कि आपने एक प्रोफेसर रहते लगभग 14 साल, और उसके पहले किसी विश्वविद्यालय में किसी स्कूल में जाते जो जिंदगी जी है, उसे जब आप लिख रहे हैं तो वो कितनी सच लगे,
वो बनावटी ना लगे। और जिनके लिए आप कह रहे हैं वो लोग भी तो इसी समाज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा कहते जो वास्तविक नहीं होता तो मुझे लग रहा है कि लोग इतना पढ़ते नहीं और या उस पर उसकी आपत्ति करते कि नहीं ऐसा तो होता नहीं। हमारे यहाँ तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। अभी बात हो रही थी कि भगवान भी आदमी है। हम तो ऐसे दौर में हैं जहाँ आदमी दावा कर रहा है कि वो भगवान है। तो ये ऐसे वक्त में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के वक्त में कोई भी बात अगर आप लिख रहे हैं और वो बात लोगों तक पहुंच रही है, उसे लोग पढ़ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इसकी छूट मेरी शैली ने मुझे दी। दूसरी बात ये कि अभी ये बात हो रही थी कि भाई आप जब लिखते हैं तो क्या सोच कर लिख रहे हैं। इस किताब के लिए मेरा कहना यह है कि हमने तो केवल यह सोच कर लिखा कि जो कोई नहीं कह रहा है वह भी तो कोई कहे, बाकी बिकने के लिए, बिकने का एक दबाव होता है। और वो भी आप उस व्यक्ति से बात करें जिस जो प्रोफेसर था और अब प्रोफेसर नहीं, बेरोजगार है, तो उसके लिए तो आर्थिक पक्ष भी एक पक्ष होता है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जब अभी बात कर रहा था हिंदी की या साहित्य की, हमारे हजारों साल के इतिहास में नवीन जी जाने कितने दौर आए और चले गए, आज भी बिना अपना प्रचार किए कि अमेज़न पे या फेसबुक पर फ्लिपकार्ट पर मेरी किताब का लिंक ये है, लोग आज भी कबीर को खोजकर पढ़ते हैं। निराला जिस जो लिखते थे और लिखने के समय उनके पास कोई भी पूंजी नहीं थी, अभावों में रह गए, और वो लिखते हैं कि भेद कुल खुल जाए वो सूरत हमारे दिल में है और देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारे मिल में है। तो निराला बिकने के लिए नहीं, निराला ने जो लिखा, या प्रेमचंद का पूरा जीवन हम लोग देखते हैं अभावों में ही गुजरा, और उसके बावजूद आज भी हम प्रेमचंद को पढ़ते सुनते, और अगर हम लोग तो अभी एक दौर के बेस्ट सेलर हैं, जो हजारों साल के इतिहास में बेस्ट सेलर लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। उनके ऊपर बाजार का दबाव नहीं था, पाठक का दबाव नहीं था। मेरा कहना यह है कि भाषा एक जरिया है, जरूरत इस बात की पड़ताल करने की है कि जो आप कह रहे हैं वो किसके पक्ष में खड़े होकर कह रहे हैं और कौन सा सच कह रहे हैं। मैं जो एक प्रोफेसर की डायरी में लिख रहा हूं, मेरी भाषा भोजपुरी है, शिक्षा की बात है, कलम और किताब की बात है, और दोनों कहानियां मेरी किताब में हैं। कलम और किताब कैसे खेत खलिहान से पत्थर तोड़ने वाले एक मजदूर के घर से किसी गरीब कमजोर के घर से किसी बेटे या बेटी को उठाकर उस कलम और किताब के जरिए कहां तक पहुंचा देती है। और वही कलम और किताब की अहमियत के साथ यह भी यह किताब बताती है कि वो कलम और किताब बेची जा रही है। ये दोनों किस्से हैं। अब जैसे इसके लिए भाषा एक जरिया है, मैं उसी को बताऊं, पिछले दिनों एक गाना बड़ा वायरल हुआ, मैं भोजपुरी इलाके का हूं, तो उसमें चार लाइन का एक गीत है कि नून तेल खा के भले जिंदगी बीतिया, अपने ना पढ़ला बाकी बचवन के पढ़िया, और पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, पढ़ा लिखा भैया कलमिये में जान बा। अब कहना केवल यही है, भाषा बदल जाए लेकिन अगर आप अपने समाज को ये बात कह सकते हैं कि कलम और किताब खतरे में है और उसे बचाया जाना चाहिए, और इस बात को लोग पढ़ रहे हैं, हजारों की तादाद में पढ़ रहे हैं, तो ये भाषा के लिहाज से भी बेहतर है, किताबों की दुनिया के लिहाज से बेहतर है, और किसी भी लेखक का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी है कि आप जो कहना चाह रहे हैं बेरोक टोक आप ये बात कह ले रहे हैं कि हाँ प्रोफेसर की डायरी इसलिए पढ़ी जा रही है जो किसी भी लेखक को प्रेरित करेगी। तो आपके सवाल का जवाब केवल इतना ही कि मेरे लिए छूट थी कि मैं अपनी नज़र से चूंकि दुनिया देख रहा हूँ, तो वो एक शेर है ना कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छिपाएं कैसे और तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, तो जो हमें लगा वो हमने लिखा। हिंदी की हम बात लक्ष्मण जी वापस करते हैं,
हिंदी जो है इसको लेके बार बार ये प्रश्न उठता है, हिंदी है नहीं है। हमारे पास कई बार ऐसे मौके आते हैं, जैसे ये एक मौका है जहाँ लगता है कि हिंदी के पाठक फिर से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर मौके ऐसे आने शुरू होते हैं कि ये जो पाठक है हिंदी से विमुख होना शुरू हो जाता है। अब हिंदी जो है, पहले हम देखते थे कि मेट्रो में अंग्रेजी चल रही है, टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ में हिंदी का बोलबाला है, टीयर टू में अब अंग्रेजी का बोलबाला हुआ, टीयर थ्री में हिंदी दिखती है, गांव में हिंदी दिखती है। लेकिन हिंदी क्या आने वाले समय में, अभी अब जो मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि काम करने जो हमारे घर में सहायक सहायिकाएँ आते हैं उनके बच्चे भी कोशिश वो करते हैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने की। अब एक पूरी पीढ़ी ऐसी तैयार हो रही है जो ना हिंदी ठीक से जानती है ना अंग्रेजी ठीक से जानती है, तो हिंदी का भविष्य हम लोग सारे आंकड़े देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक संदेह बार बार उत्पन्न होता है। तो हिंदी विभाग से होने कारण, हिंदी से आप पढ़े होने कारण, हिंदी के भविष्य को आप किस तरह से अभी देख रहे हैं? नवीन जी, पहली गुजारिश ये कि हिंदी विभागों से जैसे ही आप हिंदी के भविष्य को जोड़ेंगे तो न तो हिंदी के विद्यार्थी का भविष्य सुरक्षित है और न तो जो है हिंदी विभागों का। ये लेकिन मैं ये हिंदी विभाग से मैं बहुत अच्छा है ये, हम दोनों अगर मैं और सत्य कहते तो हम वैसे ही हिंदी विभाग से गालियां खाते हैं, तो हमने कहा नहीं, आपने कहा, मुझे अच्छा लगा। अब हिंदी की हम बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए वो एक अलग पहलू है। मुझे लग रहा है कि भाषा हम लोग हालांकि गहराई से पढ़ते पढ़ाते रहे कि भाषा केवल जरिया नहीं होता, केवल माध्यम नहीं होता, कि आप कौन सी भाषा में क्या लिख रहे हैं, असल में हम क्या हैं, हम किस भाषा में सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, उसमें जब लिखते हैं तो वो बहुत स्वाभाविक भाषा लगती है। और जब मैं हिंदी की पिछली टिप्पणी में भी मैंने ये बात कही कि जिस भाषा को अगर हम हिंदी कह रहे हैं, किस रूप में हिंदी कह रहे हैं मुझे नहीं पता, अगर अवधि को भी हम हिंदी में पढ़ते पढ़ाते हैं, भोजपुरी को पढ़ते पढ़ाते हैं, ब्रज राजस्थानी तमाम भाषाओं के मेल को अगर हम हिंदी कह रहे हैं तो हजारों साल का इसका इतिहास है। बहुत शानदार लिखा गया, बहुत बड़े बड़े लेखक कवि विचारक हुए। और जब मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब ये सोशल मीडिया की दुनिया नहीं थी, जिसका फ़ायदा असल में हम लोगों को मिला है, क्योंकि बिहार के मैं किसी गांव में जाता हूँ और उसने मुझसे पूछा कि आपकी प्रोफेसर की डायरी मुझे खरीदनी है, मैंने उससे कहा कि ये अमेजन का लिंक है, तो उसने कहा कि हमें ये पता ही नहीं कि लिंक से कैसे किताब मंगाते हैं। और मैं तो ये बात जानकर हतप्रभ हूँ कि वहाँ भी किताबों को लेकर एक आकर्षण है। मुझे लग रहा है नवीन जी, ज़्यादा अहम ये नहीं है कि आपकी भाषा क्या है, ज़्यादा अहम ये है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, और यह सत्र बहुत अच्छा रहा।